वेलकम टू इंडियन मॉम्स डायरी। आज इंडियन मॉम्स डायरी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अगेन एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। ये प्रोडक्ट मेरा कहीं से भी स्पॉन्सर्ड वीडियो में नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है इस प्रोडक्ट के बारे में। मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने बात की थी कि वो कौन से 5 तरीके के टॉयज हैं जो कि बच्चों को इन्वेस्ट करने चाहिए, जिसमें बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसमें से एक ऑप्शन था पजल्स, और हम जब बच्चों को पज़ल इंट्रोड्यूस कराते हैं तो नॉर्मली 2-पीस पज़ल्स, आप बेसिक अल्फ़ाबेट्स और मैं कहूँगी फ्रूट्स या किसी भी शेप की ले सकते हैं थोड़ा बड़ा होने के बाद, लेकिन अभी भी वो इतने मैच्योर नहीं है कि टफ पज़ल सॉल्व कर सके। तो हम उनके लिए एक अच्छी पज़ल जिससे नॉलेज भी हो, इंटरेस्ट भी हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके जब एक प्रोडक्ट मंगाया, ऑल्दो मैं थोड़ा सा डर रही थी इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में कि पता नहीं अच्छा आएगा कि नहीं, क्वालिटी वाइज अच्छा होगा कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। मैंने ऑलमोस्ट इसके 4 बॉक्सेस ऑर्डर किए थे। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, एनिमल, ट्रांसपोर्ट, फ्रूट्स एंड लाइक जंगल एनिमल। सो 4 ऑर्डर किए थे और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इस एक प्रोडक्ट में आपको 3 पजल्स मिलती हैं बेसिकली। जैसे ये एनिमल है तो यहाँ पर आपको हॉर्स दिख रहा है, देन आपको काऊ दिख रही है और यहाँ पर डॉग दिख रहा है। तो ये एक बॉक्स 3 पजल्स के साथ आता है। प्लस इसमें एक चीज़ और जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी वो ये है कि ये पीसेस इंक्रीज करते जा रहा है। लाइक बच्चे को आप जब इंट्रोड्यूस करा रही हैं तो इसमें 4 पीसेस स्टार्ट है। जैसे डॉग है तो उसके सिर्फ 4 पीसेस दिए गए हैं तो बच्चे के लिए आसान है। देन हॉर्स उसके 5 पीसेस दिए हैं, देन काउ उसके 6 पीसेस दिए हैं। तो सेम ही पजल में वो 4 पीसेस भी कर रहा है, 5 पीसेस भी कर रहा है और 6 पीसेस भी कर रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये माई फर्स्ट पजल्स के नाम पे है। अगेन ये प्ले एंड लर्न फ्रैंक, ये प्रोडक्ट भी 3+ ईयर्स पे ही इंट्रोड्यूस करने के लिए बताया गया है, क्योंकि पार्ट्स आई थिंक छोटे होते हैं, बच्चे मुंह में डाल लेते हैं। अगर मैं आपको इनके पार्ट्स की बात करूँ तो पार्ट्स भी मैं कहूँगी इसके अच्छे ही हैं क्वालिटी वाइज भी। आप ये देखिए, मैं आपको दिखा पा रही हूँ, देखिए काफ़ी मजबूत है और इतनी आसानी से ये टूट भी नहीं रहा है, बिकॉज मैं अपना प्रेशर लगा रही हूँ। बट ऑब्वियसली पजल है तो हम बिल्कुल ब्रेक नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छी क्वालिटी मैं कहूँगी है इसकी, बच्चा खेल सकता है। बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये एक बॉक्स मुझे 89 रुपीज़ में पड़ा था। तो इसमें 3 पजल्स आती हैं बेसिकली, 3 तरह के एनिमल्स या 3 ट्रांसपोर्ट्स, आप डिपेंड करते हैं आपके बच्चे का चॉइस क्या है। पजल खरीदते वक्त हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब बच्चों को आप पजल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट में करिए जो बच्चे को अच्छा लगता है। धीरे धीरे आप उसे नॉलेज वाले भी दे सकते हैं, लेकिन अगर सपोज उसे ट्रांसपोर्ट में इंटरेस्ट है तो आप ट्रांसपोर्ट पजल लाइए तो वो बनाने में भी इंटरेस्ट लेगा। फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, एनिमल्स अच्छा लगता है, तो उसमें काफ़ी ऑप्शन है। मैंने स्टार्टिंग में 4 पजल्स एक साथ ऑर्डर किए थे एंड अच्छा प्रोडक्ट है। 89 रुपीज़ में ही आपको मिल जाता है एंड मेड इन इंडिया है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप इसका कोई एक बॉक्स मंगा के देखिए कि आपका इस पर क्या रिव्यू रहता है और आपको ये प्रोडक्ट कैसे अच्छा लगता है। मेरी तरफ से ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, एंड अगर कहीं भी आपका ये रिव्यू आपकी मदद कर रहा है फॉर द पजल, सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर डेफिनेटली हिट कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का मेन मोटो है DIY एक्टिविटी फॉर किड्स, जिसमें हम उन्हें लर्निंग, फन, नंबर्स, अल्फाबेट्स सबको सिखाते हैं घर की बनी चीज़ों से। सो और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंडियन मॉम्स डायरी। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी पेरेंटिंग।